Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो एवरीवन, ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ की संस्कृत बुक का सेकंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनिश्यति, यानी बुरी बुद्धि का अंत बुरा होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामा सरा। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कंबु ग्रीव नाम का तयो मित्रा एकः कूर्मा अपि तत्र प्रतिवसति। इसमें कंबु ग्रीव नाम का उनका मित्र कच्छप भी वहाँ निवास करता था। अथ एकदा दीवरा तत्र आगच्छन्। इसके बाद एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम कल यहाँ आकर मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्। ऐसा सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे मित्र किम युभाव्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुमने मछुआरे की वार्ता को सुना? अधुना किम अहम करूमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। हंस ने कहा, सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्मा अवदत, कछुए ने कहा, मैवम तद यदा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरतम। कछुए ने कहा कि मुझे किसी अन्य जगह पर ले चलिए। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावा, मैं क्या कर सकता हूँ? कूर्मम अवदत, कछुए ने कहा, अहम युभाव्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। हमें आप आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर छोड़ दीजिए। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र का उपाय, क्या इस प्रकार का उपाय है? कच्छपा वदति, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदण्डम एकम चंचवा धारयत्। आप दोनों एक डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लीजिए। अहम काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब युवो पक्ष बलेन सुखेम गमिष्यति। और मैं अब बीच में उस डंडे को पकड़ लूँगा और आप अपने पंखों के बल से मुझे सुखपूर्वक वहाँ पहुँचा देना। हंसौ अकथताम, हंसों ने कहा, संभवति ऐसा उपाय संभव है, किंतु अत्र एका आपोऽपि वर्तते, किंतु एक खतरा है। हवाम्यम नियमानम त्वाम वलोकम जना किश्चित वदिष्यन्ति एव। मैं तुम्हें इस तरह से ले जाऊँगा तो लोग देखकर कुछ ना कुछ कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसी तदा तम मरणम निश्चितम। यदि तुम उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ततः तुम अत्रे बस, इसलिए तुम यहीं रह जाओ। तत् श्रुत्वा क्रुद्धा क्रूमा अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ और बोला, किमहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम तथा वादामी तथा युवाम कुरतम, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। एव कष्टदंडे लंबमानम कूर्मा गोपाल का अपश्यन। कष्टदंडे यानी कि लकड़ी के दंड में लटके हुए कछुए को कुछ बालकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंचा, उसके पीछे पीछे भागे और कहने लगे, आहो महाआश्चर्यम, देखो महाआश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ ने कहा, अध्यम कूर्मा कथमपि निपतति, अत्र पक्त्वा खश्यामि खादास्यामि, यदि यह नीचे गिर जाए तो मैं इसे पकाकर खा लूंगा। अपरा वदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं इसे तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, ये मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धा जाता, उन लोगों के ऐसे वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्त्वम वचनम विमिश्रता श्रा अवदत, मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वह बोलता है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत् क्षण में कूर्मा दंडात भूमौ पतता, उसी क्षण कछुआ भूमि
लकड़ी को छोड़कर भूमि पर गिर जाता है। गोपाल का सही मारता, लोग उसे मार देते हैं, एव एवोक्तम इसलिए कहा गया है। सुहृदयाम हित कामना नाम वाक्यम यो नाभिनंदति सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, इसलिए कहा गया है भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन का जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय देखकर ही कुछ भूलना चाहिए, मूर्खों की तरह ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू क्लास।